कैंसिल हो गए साले। रास्ता बराबर है, ऐसे रास्ता बराबर है, गड्ढा तो नहीं है, गड्ढा क्या, गड्ढा नहीं है ना, पानी निकल गया। वो हेलमेट में पानी दिख नहीं रहा था साले। हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू ब्लॉग में। और गाइस, हम है देखिए इस नदी के किनारे, और ये जो गांव है ये क्योटी है, जो आता है मध्य प्रदेश के जिला रीवा के अंदर। तो नदी यहाँ से बहते हुए जाती है और यहाँ गिरती है, और यहाँ पर बनता है एक बड़ा सा वाटरफॉल। तो गाइस, लेके चलते हैं अभी झरने के पास, और अभी हम लोग झरने को थोड़ा ऊपर से देखने वाले हैं, उसके बाद साइड वे व्यू आएगा, तो साइड से भी देखेंगे। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, बहुत बड़ी चट्टानों से बीच से बह रहा है ये झरना, और ये बहुत बड़ी चट्टानों से बनी हुई एक नदी है, बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग आ गए हैं एकदम पास में, चलते हैं नीचे की ओर। गाइस, ये बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। तो अभी मैं हूँ नदी के एकदम बीचों बीच, जहाँ से ये जो ये वाटरफॉल नहीं है, ये नदी है, पर ये देखिए कितने काफी भारी मात्रा में यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, और ये पूरा का पूरा पानी ऐसा खाई में गिर रहा है, और ये जो खाई है ये बन जाती है वाटरफॉल। तो देखिए कितना अच्छा है यार, यहाँ पे कितना मजेदार है ये, और हम लोग जहाँ पर भी जाते जो भी जगह देख रहे एकदम उसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ जा रही है, बहुत शानदार। हमें बहुत अच्छी अच्छी जगहें मिल रही रीवा में, तो योटी वाटरफॉल है, बहुत शानदार है यार। तो लेके चलते फटाफट, और ये देखिए ये जो नदी है आगे झरना बन जाती है, और ये है पूरी खाड़िया, देखिए कितनी। सो गाइस, ये जो झरना है ये पास से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो देखिए पास में लेके चलता आपको। आपको यहाँ से उतना वाटरफॉल तो नहीं दिख रहा मामा, वहाँ से वाटरफॉल देखने मिलता, पर मामा ने मना करे, रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। और ये देखो कितनी गहरी खाई है यार, पूरा ग्रीन ग्रीन वाटर, वहाँ पे एक गुफा जैसे है, और देखिए पूरा ऐसा पानी, जब ये पानी जब पूरी नदी भर के जाती होंगी तो कितना शानदार लगता होगा, बहुत ज़बरदस्त, और कितने भारी मात्रा में ऐसे पानी, और यहाँ से पानी की जो मात्रा है ऊपर जब उठती होंगी, जहाँ की पानी की भाप जो ऊपर उठती होंगी वो कितनी शानदार होती होंगी, जैसे आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा ही। तो ये देखिए कितना गहरा है, और पूरा आजू बाजू से ये बना हुआ है, पूरी खाड़िया ही खाड़िया यार। द सिटी ऑफ वाटरफॉल इसे इसलिए कहा जाता है रीवा को, बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ पे। चलते हैं मामा के पास और वहाँ से व्यू के मज़े लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग थोड़ा नीचे आ गए, और यहाँ से मज़े लीजिए वाटरफॉल के, ये देखो बाप रे, ये देखो कितनी हाइट से ये नीचे गिर रहा है, ये देखो बहुत हाइट से ये नीचे गिर रहा है, और इसको अच्छे से देखने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर नीचे जाने का भी रास्ता है, ये सबसे अमेजिंग बात है। तो हम नीचे भी जाएंगे, नीचे जाने का रास्ता नहीं, सीढ़ी थी ना उधर, सीढ़ी से ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, देखते ना। तो ये देखिए यार अमेजिंग है यार, ये अमेजिंग, हाँ रुको एक मिनट, पूरी खाड़िया यार, कितनी गहरी खाड़िया है, देखो कितना गहरा होगा यार ये, करीब करीब ये फिर से 300 से 400 फीट तो गहरा होगा ही, और खाड़िया कितनी शानदार है, बाप रे जबरदस्त रे। बहुत सुंदर है मामा, क्या लगता है यहाँ, अरे जबरदस्त लगता है भाई, ये देखो हमारी जो आवाज है सिर्फ यही इन्हीं को देख के निकलती, बाकी तो उतना मजा नहीं आया हमको। वाटरफॉल 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 चाहिए, ऐसा लगता है कोने में अपना घर बना लूं, यही रह जाऊं, ये जन्नत है गाइस, बस जन्नत है, जन्नत बहुत बड़ी जन्नत है ये। हो गया, ए ए डाउन है, चट्टान पूरी डाउन है, प्लेन नहीं है, एक एक मिनट नहीं ना, तो ऐसा ऐसे ही ले रहा हूँ ना, तो अभी जाते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, जो कि देखने में और भी शानदार लग सकता है इससे अच्छा। अरे यार
बहुत शानदार है यार, जबरदस्त। और कोई वर्ड है ही नहीं यार वाटरफॉल के लिए, और क्या बोलेगा, बोले कुछ और बोलने के लिए वर्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है भैरव बाबा का, और उसके बाद बाजू में एक महल भी है, फोर्ट, किला। सो अगर से वहाँ जाना हुआ तो जाएंगे, पर यहाँ पे कोई नहीं बता रहा कि वो किस राजा का किला था, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम लोग नहीं जानते, बहुत पुराना किला है। क्या बात नहीं जानती है, पुरानी पीढ़ी जानती है, तो किसी पुराने बूढ़े व्यक्ति से ही पूछना पड़ेगा। हाँ, क्या खाड़िया है यार, क्या खाड़िया है। अभी हम लोग दो खाड़ियों के बीच में फंसे हुए, एक खाड़ी वो है और एक इधर है, और बीच में है हम, और बीच में हम लोग, हम लोग जबरदस्त। ये देखो, ये देखो, ये देखो है, ये 300-400 फीट है। हाँ, है 400-500 फीट होगा, ज्यादा ही होगा ये। अब किसको पता क्या है, पर बहुत जबरदस्त है यार, कोई वर्ड नहीं, जबरदस्त, सुंदर, ब्यूटीफुल, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं यार इनके, और क्या कहे यहाँ पे। तो बस व्यू का मजा लो। ए, 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 हो गया, हो गया। तो यहाँ पे जितने भी वाटरफॉल है सब अपने आप में अमेजिंग है, कोई किसी से बढ़ के है, कोई और किसी से बढ़ के है, कोई शेर है तो कोई सवा शेर है। यहाँ पे बहुत शानदार वाटरफॉल है यार, यहाँ पे एक से बढ़ के एक वाटरफॉल है, और सभी वाटरफॉल की हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक वाटरफॉल है यार, जबरदस्त। ये देखो कितनी बड़ी खाड़िया है, पूरी खाइया होते हुए, ये देखिए नीचे तो कितना गहरा पानी हुआ यार, ये देखिए, बाप रे मजा आ गया। तो हे गाइस, ये पूरी वादियों से, पूरी खाइयों से भरा हुआ झरना आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है इस झरने के बारे में बोलने, इस वाटरफॉल के बारे में बोलने के लिए, ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ के सभी झरने अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और ये जो वाटरफॉल है इस रीवा सिटी से करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर के आसपास होगा, और बहुत शानदार है यार, ये सभी अपने आप में अमेजिंग है, मैं कोई वर्ड नहीं है यार, बहुत 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 जबरदस्त है। अगर से आपको ये वाटरफॉल अच्छा लगा और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार रीवा और पन्ना ये दोनों जगह एक बार विजिट कीजिए, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। तो यही करते हैं इस वीडियो को समाप्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। जबरदस्त।